अब हम मुगल साम्राज्य की स्थापना 52 के अंतर्गत खानवा का युद्ध के बारे में समझेंगे। खानवा युद्ध के बाद राजपूतों के इस युद्ध में पराजय के क्या कारण हैं, खानवा युद्ध के परिणाम क्या निकले, चंदेरी का युद्ध के बारे में और घामरा का युद्ध, बाबर के अंतिम दिन एवं उनकी मृत्यु और बाबर का मूल्यांकन और बाबर नामा का क्या महत्व है, इस इन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व हमने देखा था कि बाबर ने किस प्रकार से भारत पर 5 बार आक्रमण किया और उसके बाद वह पानीपत के मैदान में विजयी रहता है और राणा सांगा को वो इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में पराजित करता है। इसके बाद बाबर के सामने एक ये भी चुनौती बनी हुई थी कि उसने एक बड़ी महाशक्ति को तो धराशायी कर दिया है, लेकिन भारत में अभी भी एक राजपूत शक्ति है, वो है राणा सांगा के रूप में। उसने राणा सांगा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उसने पानीपत के युद्ध के दौरान उसकी सहायता नहीं की और राणा सांगा ने भी पानीपत के युद्ध से पूर्व बाबर को प्रोत्साहित किया था कि आप दिल्ली पर आक्रमण करें, लेकिन राणा सांगा का यह उद्देश्य था कि किसी प्रकार से ये लोधी वंश का जो शासक है यानी इब्राहिम लोधी पराजित हो और उसको कुछ राहत मिले। लेकिन बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीत लिया तो उसके मन में ये अच्छी प्रकार से बात बैठ गई कि अब जो दूसरी जो शक्ति है राणा सांगा के रूप में उसको नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह भारत में निष्कंटक राज्य कर पाएगा। तो इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप और आपसी ईर्षा द्वेष के चलते दोनों में मनमुटाव पैदा होता है और इन दोनों के मध्य में जो युद्ध होता है वो खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में होता है। तो दोनों सेनाएं, हालांकि राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से संख्या में बहुत अधिक थी और बाबर ने खानवा युद्ध से पहले भट्टी राजपूतों को पराजित भी किया था, तो बाबर को काफ़ी बाबर की सेना हतोत्साहित थी क्योंकि उसे पता था कि राणा सांगा की सेना इतनी बड़ी है, उससे कैसे जीत पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो बाबर अपनी सेना को एक संदेश देता है, उन्हें समझाता है कि यदि यहाँ से भागोगे तो भी मारे जाओगे, इससे अच्छा है कि युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो। वह जिहाद का नारा देता है, वह यह भी समझाता है कि यदि विजयी रहोगे तो यहाँ आपको बहुत इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होगा और उन्हें स्त्रियाँ भी प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार बाबर अपनी सेना में काफ़ी सैनिक उत्साह और उन्माद भर देता है और वह ये कसम खाता है कि वह भविष्य में कभी शराब का सेवन नहीं करेगा और वह शराब के बर्तनों को भी सेना के सामने तोड़ देता है, जिसके सेना में भी ये बात अच्छी प्रकार से बैठ जाती है कि जब उसका जो नेतृत्व करता है यानी बाबर इतना अधिक उत्साही है तो युद्ध करने में किस प्रकार का गुरेज करें, युद्ध करना ज़्यादा उचित होगा। तो ऐसी बाबर की उन्माद भरी नीतियाँ, जिहाद भरी विचारधारा, ये उसकी सेना को और अधिक प्रोत्साहित करती है। इधर राणा सांगा युद्ध तो करने चल पड़ता है, लेकिन राणा सांगा एक तो बाबर की सेना को अधिक समय तैयारी करने का दे देना और दूसरा उसे एक लम्ब बयाना से वैर घुसावल होते हुए खानवा के मैदान में पहुंचने में देरी करना, ये उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होता है। तो दोनों की सेनाएं जब खानवा के मैदान में आ डरती हैं तो बाबर की एक तोलमा पद्धति, बाबर का तोपखाना और उसके तीरंदाज और उसकी रणकुशलता के आगे राणा सांगा की सेना धीर कुछ समय पश्चात कमजोर साबित होने लगती है। प्रारंभ में तो तीखा तीक्ष्ण प्रहार किया जाता है राणा सांगा की तरफ से, तो उस समय ऐसा लगता है कि राणा बाबर
पराजित हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जो सरहदी कमर जो पहले राणा सांगा की तरफ से युद्ध कर रहा था वो बाबर दिशा मिलता है, और बाबर राणा सांगा के युद्ध के दौरान काफ़ी अधिक घायल हो जाने के कारण उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, जिसके कारण सेना में यह संदेश जाता है कि राणा सांगा मारे गए हैं। तो इससे सेना में भी काफ़ी निराशा व्याप्त हो जाती है और सेना में भगदड़ मच जाती है। इधर बाबर की सेना इस स्थिति का लाभ उठाते हुए राणा सांगा की सेना पर टूट पड़ती है और राणा सांगा की सेना मैदान छोड़कर भागने लगती है, जिसका बाबर को काफ़ी लाभ मिलता है और बाबर बाद में राजपूत सैनिकों के सिरों को काटकर एक विशाल टीला खड़ा कर देता है। यह खानवा की विजय बाबर के लिए एक बहुत निर्णायक विजय मानी जा सकती है, जिसमें बाबर को अब उत्तर भारत में कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा था। तो खानवा युद्ध का अपना विशेष महत्व है। पानीपत के युद्ध ने तो बाबर के लिए भारत में अपना राज स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, पर खानवा के युद्ध ने उसके अधूरे कार्य को पूरा किया, यह ऐसा कहा जा सकता है। और अब खानवा के युद्ध में पराजय के जो कारण थे उसमें पहला कारण माना जा सकता है राजपूतों का कि परंपरागत रूढ़िवादी सैन्य व्यवस्था। राजपूतों की सैन्य व्यवस्था बहुत ही रूढ़िवादी परंपरागत थी, क्योंकि वे कभी सैन्य विकास और सैन्य कुशलता पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वैभव और विलासपूर्ण जीवन जीने के कारण कभी कभी उन्हें यह भी नहीं पता रहता था कि शत्रु की सेना कहाँ तक आ पहुँची है, और अचानक युद्ध की तैयारी करना और युद्ध करना उनके लिए कभी लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। और सैन्य व्यवस्था में जो नवीन पद्धति अपनाई जानी चाहिए उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। नंबर दो, राजपूत सेना का एक नेता के अधीन व संगठित न होना, और यह भी एक बहुत बड़ी उनकी सैनिक कमजोरी मानी जा सकती है कि वो एक नेता के अधीन नहीं थी, जबकि बाबर की पूरी सेना बाबर के अधीन थी, लेकिन यहाँ पर राणा सांगा की पूरी सेना राणा सांगा के अधीन नहीं थी, और ये सेना जो है सरदारों के अधीन थी, जिसके कारण राजपूतों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। बिखरी हुई सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था में एकजुटता नहीं थी, अलग अलग सरदार अलग अलग टुकड़ियों के मतलब नेतृत्व करता, मतलब उनको दिशा निर्देश देने वाले, तो यही पता लगता था कि कौन उनके पक्ष में और कौन विपक्ष में, क्योंकि सेना भी राजपूत सेना पूरे मन से युद्ध नहीं कर पा रही थी, और उन्हें ये इस बात यह बात कहकर छोड़ दिया जाता था कि यदि तुम्हें आदेश ना हो तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, जिसमें जो उनका राजा होता था वो भ्रमित हो जाता था कि ये मैदान में क्या हो रहा है, वो आदेश देता पर सेना आधी अधूरी लड़ाई कर रही है, कुछ उसके सरदार शत्रु से मिल रहे हैं, तो इससे भी एक विकट स्थिति पैदा हो जाती थी जो कि खानवा के मैदान में देखने को मिलती है। रणनीति का अभाव, कोई भी रणनीति नहीं होती थी जब ये गुप्तचरों द्वारा सूचना प्राप्त होती थी कि शत्रु की सेना कुछ दूरी पर रह गई है, तो फिर उस प्रकार और शत्रु की सेना की कमजोरियों का भी पता न लगाना भी एक भयानक भूल होती थी, और अपने पूर्ण तैयारी के न होने के कारण और रणनीति के न होने के कारण शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, जो कि हमें खानवा के मैदान में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद सरहदी तमर का बाबर से जा मिलना। सरहदी तमर जो कि पहले राणा सांगा के पक्ष से युद्ध कर रहा था, लेकिन अचानक ही वह पाला बदल लेता है और जाकर बाबर से मिल जाता है, जिससे कि राणा सांगा की सेना की कमर टूट जाती है और विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है। नंबर छः, राजपूत नरेशों की अदूरदर्शिता। राजपूत नरेश कभी भी इस बात पर सजग नहीं रहे कि उन्हें उनके शत्रु किस कदर योजना बना रहे हैं उनके विरुद्ध। उन्होंने कभी कमजोर को कमजोर नहीं माना,
मतलब उनको कमजोर, मतलब हर शत्रु को उन्होंने कमजोर करके आंका। छोटे शत्रुओं को उन्होंने कभी ये नहीं माना कि ये कभी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने देखा पृथ्वीराज चौहान के तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी, और ऐसा ही हम देखते हैं खानवा के युद्ध में बावर। सेम कंडीशन, मतलब शत्रु को कमजोर आंकना ये भयानक बुद्धि, ये अदूरदर्शिता की निशानी मानी जा सकती है। इसके बाद खानवा युद्ध के परिणाम, खानवा युद्ध के परिणामों के रूप में देखें तो खानवा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसने बावर के अधूरे कार्य को पूरा किया और बावर को उत्तर भारत में दूसरी कोई शक्ति चुनौती देने वाली नहीं रह रही थी। और इस युद्ध के बाद मुगल वंश पूर्ण रूप से स्थायी रूप से भारत में इस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। तो खानवा युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति को बड़ा नुकसान पहुँचा और राजपूताना राज्य में राजपूतों को यह लगने लगा था कि ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं इनको पराजित करना अब आसान नहीं है। तो बहुत से बाद में मतलब मन से कमजोर स्थिति में चले जाते हैं। इसके बाद चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध के बारे में देखेंगे। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी एक सामरिक महत्व की जगह थी, यानी बुंदेलखंड की सीमा और मालवा की सीमा पर यह राज्य, ये एरिया स्थित था चंदेरी का, और एक सामरिक महत्व था। चंदेरी पर मेदिनी राय, चंदेरी पर मेदिनी राय का शासन था। और मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय ने जब गुजरात के मुजफ्फर शाह की शाखा से मेदिनी राय पर आक्रमण किया तब मेदिनी राय ने राणा सांगा से सहायता देने की प्रार्थना की और स्वयं को राणा के अधीन चंदेरी का जागीरदार मान लिया, यानी चंदेरी के जो शासक मेदिनी राय राणा के अपने आप को अधीन मान लेते हैं। 28 फरवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और चंदेरी पर बाबर ने विजय प्राप्त की। मतलब चंदेरी की स्थिति मजबूत नहीं थी और बाबर को आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती है। मेदिनी राय की दो कन्याओं को इस युद्ध के बाद बंदी बनाया जाता है और उन्हें बाबर अपने पुत्रों कामरान और हुमायूं को नजर करता है, अतः उनके साथ उनका निकाह करा दिया जाता है। बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा की सल्तनत के वंशज, फिर बाबर ने क्या किया, बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा की सल्तनत के वंशज अहमद शाह को वापस कर दिया। तो मेदिनी राय जो कि खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ देते हैं और राणा सांगा भी उनको वचन देते हैं, लेकिन राणा सांगा तो खानवा के युद्ध में पहले ही मतलब अपने आप को मतलब पराजित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबर को चंदेरी में विशेष सफलता प्राप्त होती है और फिर चंदेरी का राज मालवा की सल्तनत के वंशज अहमद शाह को वापस बाबर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध अफगान हमेशा से बाबर के लिए सिरदर्द बने हुए थे कि वो पानीपत के युद्ध में बाबर से अफगान पराजित तो हो जाते हैं लेकिन वो अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। और मई 1529 ईस्वी में मुगल सेना व अफगान सेना के मध्य घाघरा नदी के पास के क्षेत्र में भयंकर युद्ध होता है जिसमें बाबर विजयी हुआ और नुसरत शाह ने बाबर की प्रभुता स्वीकार कर ली और विद्रोही को शरण देने का वचन दिया, यानी उस नुसरत शाह ने कहा कि जो विद्रोही थे उनको हम शरण दे देंगे और उनकी प्रभुता बाबर को स्वीकार कर ली। इस प्रकार घाघरा के युद्ध में बाबर को बड़ी पैमाने पर सफलता प्राप्त होती है। बाबर के अंतिम दिन, बाबर 1528 ईस्वी में बीमार पड़ता है और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है और इसी के साथ उसका पुत्र हुमायूं भी बीमार पड़ जाता है
तो कोई व्यक्ति ये बताता है कि यदि बाबर चाहे तो हुमायूं ठीक हो सकता है। तो बाबर अपने पुत्र हुमायूं को बहुत अधिक चाहता था और वह अल्लाह से ये प्रार्थना करता है कि उसके पुत्र को अल्लाह ठीक कर दे, चाहे उसके बदले उसको इस दुनिया से उठा ले। तो ऐसा ही होता है, बाबर धीरे धीरे और अधिक बीमार होता चला जाता है और हुमायूं ठीक होता जाता है। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का देहांत हो जाता है और उसके बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं गद्दी पर बैठता है, अर्थात सम्राट बन जाता है, शासक बनता है 1530 ईस्वी में हुमायूं। इसके बाद बाबर का मूल्यांकन, तो बाबर मध्य एशिया के प्रभावशाली सम्राटों में से एक था। बाबर ने अपनी गढ़ कुशलता, अपनी वीरता, दूरदर्शिता से अपना विशाल राज्य स्थापित किया, भारत में मुगल वंश की नींव डाली और भारत में उसने पानीपत और खानवा और घाघरा और चंदेरी के जैसे महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की, जो उसकी शूरवीरता को प्रकट करती है। तो बाबर अपने आप में एक कुशल एक योद्धा माना जा सकता है। इसके बाद बाबरनामा बाबर की एक आत्मकथा थी और इसकी रचना स्वयं बाबर ने की। बाबरनामा की जो भाषा थी वो तुर्की भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इस आत्मकथा में बाबर ने अपने समय में जो भी विभिन्न घटनाएं घटी और किन किन परिस्थितियों में उसने संघर्ष करते हुए सफलताएं प्राप्त की और बहुत सारी बातों के बारे में इसमें लिखा गया। बाबरनामा में उसने भारत के बहुत सारी बातें जो लिखी हैं, उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उसने बोला कि भारत पर 5 मुसलमान शासक और 2 काफिर हिंदू राजा राज कर रहे थे। तो बाबरनामा से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। यह एक मुगल कालीन इतिहास की जानकारी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है बाबरनामा। तो आज हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर के अंतर्गत हमने खानवा का युद्ध और राजपूतों के पराजय के कारण और खानवा का युद्ध के परिणाम, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बाबर के अंतिम दिन में मृत्यु, बाबर का मूल्यांकन और बाबर का महत्व के बारे में जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।